दक्षिण पश्चिमी जिले के पालम इलाके में वायुसेना कर्मी की पत्नी व बेटे की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस ने इस संबंध में मृतक महिला बबीता के भतीजे को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान बुराड़ी के दर्शन विहार निवासी अभिषेक वर्मा के रूप में हुई है। फरार होते समय अभिषेक ने ई रिक्शा चालक को UPI वॉलेट से पेमेंट की थी, इसकी वजह से वो फंस गया और हत्याकांड से पर्दा उठ गया। पालम थाना पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल स्कूटी व खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि 6 जुलाई की शाम को पालम विलेज पुलिस स्टेशन में राजनगर पार्ट 1 गली नंबर 6 में दो व्यक्तियों की हत्या के संबंध में एक PCR कॉल प्राप्त हुई थी। कॉल मिलते ही पालम विलेज पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। वहां देखा कि वायुसेना के अकाउंटेंट के सुधीर की पत्नी बबीता और उसके बेटे गौरव की किसी ने हत्या कर दी थी। कसरत करने वाले डंबल से बबीता और गौरव के सिर, चेहरे व शरीर के अन्य हिस्सों पर वार कर मौत के घाट उतारा गया था। क्राइम व FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। घर का सामान फैला हुआ मिला और अलमारी भी खुली मिली। पुलिस को लगा कि लूटपाट के लिए वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़ित के S सुधीर वर्मा के बयान पर FIR संख्या 290/2021 अंडर सेक्शन 302 हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू की। ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुझाने के लिए दलीप कुमार ACP दिल्ली कैंट की सुपरविजन और पारसनाथ वर्मा SHO पुलिस स्टेशन पालम विलेज के नेतृत्व में इंस्पेक्टर योगेश कुमार, SI सुरेंद्र सिंह, SI बाबू लाल, SI प्रतिमा, SI जगत, SI महिपाल, हेड कांस्टेबल शमशेर, हेड कांस्टेबल राजेंद्र, हेड कांस्टेबल नरपत, कांस्टेबल सोनू, कांस्टेबल योगेश, कांस्टेबल संदीप, कांस्टेबल भीम और कांस्टेबल राकेश की एक टीम बनाई गई। इन्वेस्टिगेशन टीम के सभी सदस्य अलग अलग एंगल पर काम कर रहे थे। जांच टीम ने मुखबिरों का जाल बिछाया, मृतक के परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से भी पूछताछ की। टेक्निकल सर्विलांस और घटना स्थल के आसपास लगे दर्जनों CCTV कैमरों की फुटेज खंगाले। पुलिस को घर के पास लगे एक CCTV कैमरे की फुटेज से ई रिक्शा में सवार होता एक सस्पेक्ट युवक दिखाई दिया। पुलिस ने ई रिक्शा चालक की तलाश शुरू कर दी। काफी छानबीन के बाद पुलिस ई रिक्शा चालक तक पहुंच गई। पूछताछ की गई तो चालक ने बताया कि वारदात वाले दिन एक युवक को उसने पालम मेट्रो स्टेशन के पास छोड़ा था। चालक ने बताया कि जिस युवक को वो मेट्रो स्टेशन छोड़कर आया था, उसके कपड़ों व चेहरे पर खून लगा था। उसने युवक से खून लगा होने की बात भी की थी तो युवक बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। चालक ने बताया कि युवक ने उसे फटा नोट दिया था, इस वजह से उसने UPI पेमेंट करन के लिए कहा तो युवक ने उसे ऑनलाइन पेमेंट की। चालक से पूछताछ के बाद पुलिस को युवक का मोबाइल नंबर मिला और युवक के ऑनलाइन पेमेंट करने की वजह से पुलिस ने उसे चंद ही घंटों में पकड़ लिया। आरोपी व्यक्ति की पहचान 33 वर्षीय अभिषेक वर्मा पुत्र मनोज वर्मा निवासी दर्शन विहार बुराड़ी के रूप में हुई। आरोपी रिश्ते में मृतक महिला बबीता का सगा भतीजा लगता है। पहले तो युवक गुमराह करने लगा लेकिन इसके बाद उसने हत्या की बात कबूल कर ली। युवक ने बताया कि बबीता उसकी बुआ थी। 50,000 रुपए के लिए वो उसे जलील करती रहती थी। गुस्से में आकर उसने बुआ की हत्या की साजिश रची थी। घटना वाले दिन उसने दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन पर अपनी स्कूटी खड़ी की और ई रिक्शा लेकर बुआ के घर गया। घर पहुंचकर उसने बुआ की हत्या की। चूंकि गौरव माँ की हत्या का चश्मदीद हो सकता था, इसलिए उसने गौरव की भी डंबल से वार कर हत्या कर दी। बाद में पुलिस को गुमराह करने के लिए घर का सामान फैला दिया। हत्या करने के बाद वही रिक्शा में सवार होकर मेट्रो स्टेशन पहुंचा। वहां से घर जाकर नहाया। बाद में कपड़े बदलने के बाद वो वापस बुआ के घर पहुंचकर अपने फूफा के सुधीर के साथ घूमने लगा, लेकिन चंद ही घंटों बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। बताया जाता है कि किसी को शक न हो इसलिए आरोपी ने अपनी बुआ व भाई के शव को पुलिस के साथ मिलकर एम्बुलेंस में रखवाया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी अभिषेक ने BA द्वितीय वर्ष तक की पढ़ाई की हुई है। वो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है। आरोपी घर के पास मेडिकल स्टोर चलाता है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।